इधर देखो सल्टी तो बहुत हैंडसम है। गैंग तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब लोग अच्छे होगा, तो अच्छे ही रहना। एंड अभी हम लोग कार्बी अलोंग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग फ्यूल अप करने के लिए आए हैं। यहाँ से वो उधर कोंडोमा में फ्यूल नहीं है, तो इधर हम लोग आए हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पिंगलसन ट्रैवलर, हाय बोलो। हेलो। और यहाँ पर एन जी हम लोग पहुंचने वाला है गणेश मंदिर, नलबारी गणेश मंदिर। तो उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद डायरेक्ट कार्बी अलोंग। सिमंग साल्टी वी आर कमिंग। लोग तीन जन है मेरे पीछे, है एनजी, और एनजी का मतलब न्यूटन, और इधर आगे पे है पिंगलसन बागान पोरियन, मतलब वो नाम को चेंज कर लिया है, पिंगलसन ट्रैवलर हो गया है, मतलब नेम को चेंज किया है। तो जाएंगे अच्छी तरह से, 80-90 स्पीड पे जाएंगे, इतना स्पीड पे भी नहीं जाएंगे। तो अभी तो मतलब हम लोग सुबह निकलने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी लगभग 3 o'clock ही बजने वाला है। होप सो मेरा वॉइस धोखा ना दे दे, अगर मेरा वॉइस धोखा दे देगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इधर बुलेट पे 1300 का फ्यूल हो गया है, इधर हम लोगों के पास 850 में फुल हो गया है। ट्रिप को मतलब जीरो करते हैं, मैं भूल ही गया था ट्रिप को जीरो करने के लिए, अभी मैंने ट्रिप को जीरो कर दिया है। खाताकुशी, अभी हम लोग खाताकुशी पहुंच चुका है, रोंगिया पहुंच चुका है, और बुलेट है ना, बुलेट की तरह चल रहा है गाड़ी, और हम लोगों की गाड़ी स्लोली। साला भाई सिग्नल लाइट भी नहीं देता। हम लोग पहुंच चुका है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र ब्रिज भी है। वो इधर का फ्लैग बहुत अच्छा दिख रहा है, वो नाइस। दिस इज द ब्रिज ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड ये देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जय ब्रह्मपुत्र, जय ब्रह्मपुत्र। हम लोग का राइट अच्छे अच्छे से जाए, नोगो की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से नोगो 133 किलोमीटर है, ऊपर की तरफ तो बहुत ज़्यादा जाम है। फैन चालू हो गया है और इधर देख सकते हैं ट्रैफिक, उधर भी ट्रैफिक जाम। लोग पिंगल मामा को मिल गया है, वो हमारे आगे थे, और अभी 200 किलोमीटर कवर करने के लिए बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर मतलब जर्नी अभी बाकी है। ओ कॉर्नरिंग करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन इतना गहरी है, डर लगता है कभी कभी, डर ही लगता है। और आप लोगों ने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, द टोटलिंग बॉय, ऐसे सर्च करके आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कॉर्नरिंग देने के लिए कोशिश किया था और पीछे का टायर स्लिप होके गिरने वाला था, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया है, गॉड सेव मी, थैंक्स गॉड। खतरनाक हो रखा है इधर जगह, अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। ओए भाई साहब, नहीं लेकिन जब मैं तवांग गया था तो तभी मैं इस साइड पे आया था, लेकिन इस साइड का नाम क्या है मुझे पता नहीं। लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया था और इधर बारिश देने वाला है शायद, आप लोग देख सकते हैं हालत कैसा हो रखा है, इस जगह का नाम क्या है। और बाकी है कवर करने के लिए, हम लोगों ने अभी 95.2 किलोमीटर कवर कर चुका है, मतलब मैंने तो इसको शायद नलबारी पार्क करके ही सेट किया था, तो हम लोगों ने अभी लगभग 100। और आज कार्बी अलोंग पहुँचने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं, वहाँ पहुँच के ही हम लोगों को पता चलेगा, और हम लोग प्लान करेंगे हम लोग कार्बी अलोंग से कहाँ कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहेगा मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखेगा। और न्यूटन का हालत तो ख़राब हो गया है, पीछे बैठ बैठ के उसका बम मीन्स मतलब उसका बम जल गया है रे, और मेरा तो कुछ पेन नहीं हो रहा है, बस मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, ये हाथ थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो कुछ नहीं है।
भाई अभी रात ही होने वाला है तो आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा नहीं पाया तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगभग 3 o'clock में उधर से निकल के आए, इसलिए अभी रात हो गया है ना, तो माफ़ कीजिएगा। कल आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि हम लोगों को लगभग 100 kilometers कवर करना है। अभी तो सिर्फ 109.5 kilometers कवर कर लिया है और बाकी है कवर करने के लिए। चला हो रखा इधर, क्या बारिश दे रहा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा बारिश दे रहा है। यो भाई अभी हम लोग पूरी तरह से भीग जाएगा यार। निबिरा, अभी निबिरा पहुँच चुका है हम और बाकी है कवर करने के लिए। ओ भाई यो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुका है जागीरोड। जागीरोड के बाद नौगांव, नौगांव के बाद कार्बी आलम पहुँचेंगे। नौगांव यहाँ से लगभग 70 kilometers ऐसा होगा शायद, 70 या फिर 69 ऐसा होगा शायद, आई गेस। अभी 100 kilometers बाकी है कवर करने के लिए। अभी हम लोग 144.9 kilometers कवर कर चुका है। लेट्स गो, लेट्स गो। नौगांव 36 kilometers रहा, 16 kilometers और बाकी है कवर करने के लिए साला। और अभी यहाँ पर एक टोल गेट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइट पूरा हेलोजिन है, हेलोजिन हेलोजिन। स्टॉप स्टॉप, हाँ माँ बना। और बाकी है, और बाकी है। थ्री ट्वेंटी सेवन किलोमीटर और लामडिंग 64 और दीमापुर 162। और बाकी है, सुनसान है, फॉरेस्ट है, ये पता नहीं क्या फॉरेस्ट है, मुझे इतना पता नहीं, बट फॉरेस्ट है ये जगह। तो बस अभी तो बहुत अंधेरा हो गया है, तो आप लोगों को मिलते हैं सिमंग सल्टी के घर पे। तो बाय। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इधर हम लोगों ने नहा लिया है बहुत अच्छी तरह से। इधर पिंगल मामा नहाने जा रहा है। यार बहुत थक गया, बहुत ज्यादा थक गया, हाथ में जान ही नहीं है, पैर में तो जान ही नहीं है। तो इधर सल्टी हम लोग के लिए खाना बना रहा है। तो ब्रो आपका नाम? हाय हाय बोले। हम लोग के लिए इधर अभी खाना बना रहा है, मतलब सब्जी कट रहा है, देख सकते हैं। इधर देखो सल्टी तो बहुत हैंडसम है। अरे देखो इधर बहुत हैंडसम है सल्टी, देखो देखो। तो गाइस आज का व्लॉग इतना सही, अगर आप सब लोग को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देना, उसके बाद जितना सब इतना व्हाट्सएप पे इसमें अभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। Till then, safe ride, always wear helmet while riding. Have a great day. See you tomorrow, Harini. Tata. Bye bye. See you in the next vlog.